हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ सीकम के बारे में। इसको हम टोटल पांच हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका पोजीशन कहाँ लाइक करता है, तीसरा इसका टाइप्स, फिर इसका रिलेशन, और पांचवा इसका ब्लड एंड नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स जो भी, और लास्ट इसका क्लिनिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हुआ सीकम का इंट्रोडक्शन। सीकम होता क्या है? तो सीकम जैसे नाम ही है, नाम से जैसे पता चलता है कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक ये पार्ट है। जैसे ये सीकम क्या है, एक लार्ज एसिमेट्रिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट फॉर्म्स द बिगनिंग और कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये इलियम हुआ और ये सीकम, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सीकम हुआ। ये अबव कंटिन्यू करता है असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ। एक्चुअली ये फॉर्म करता है बिगनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ ए लार्ज एसीमेट्रिकल सैक। फिर क्या हुआ, इट इज़ ए लार्ज एसीमेट्रिकल सैक विच फॉर्म्स द कमेंसमेंट और बिगनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ। इलियम टर्मिनल इलियम का पार्ट ये, और ये इलियम खुलता है सीकम में और यहाँ से कंटिन्यू करता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं हम इसका, अगर हम इसका लेंथ का बात करें टोटल, तो लेंथ होता है करीबन 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसका चौड़ाई होता है करीबन 7.5 सेंटीमीटर। ये उन चुनिंदा मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स जो बॉडी में है इसका जो है, जो जिसका लेंथ ब्रेथ से छोटा होता है। ऐसे टोटल बॉडी में 4 स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें CPBP, ये इसमें एक सीकम आता है, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा पॉन्स, चौथा पिट्यूटरी। इन चारों स्ट्रक्चर का लेंथ जो होता है वो ब्रेथ से छोटा होता है। बस ये 4 ही स्ट्रक्चर होते हैं टोटल। इसका लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ करीबन हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पोजीशन कि ये कहाँ पे लाई करता है। इसके लिए हम एब्डोमिनल कैविटी ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया है एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये रीजन, ये जो है ये राइट इलियम फोसा, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, जस्ट इसी के अबव लाई करता है यहाँ पे इस तरह करके। सीकम यहाँ ख़त्म हो रहा होगा, इलियम अपेंडिक्स हो गया। ये सीकम का पोजीशन हुआ इन द राइट इलियक फोसा जस्ट अबव द लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका एग्जैक्ट पोजीशन यही हुआ, इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा अबव द लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। देखिए ना, इंग्वाइनल लिगामेंट हुआ नहीं है, तो इसका ये 2 हाफ होता है, एक लेटरल हाफ होता है, मीडियल हाफ होता है। जस्ट लेटरल हाफ के अबव में इस साइड में ये सीकम प्रेजेंट होता है इन द राइट इलियक फोसा में। अब हम इसका थर्ड बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स का सीकम प्रेजेंट। तो टोटल हम जान जैसा है उस तरह टोटल 4 टाइप्स होता है सीकम का जो दिखता है। तो कौन कौन सा होता है, ये पहला टाइप हुआ, ये दूसरा, ये हो गया चौथा। टोटल 4 तरह के सीकम प्रेजेंट होते हैं। जो पहला है, पहला टाइप में देखो तो इसका जो
एपेक्स हुआ, ये पॉइंट ये कोनिकल टाइप है, ये कोन जैसा ये कोनिकल हुआ। सेकंड में ये जो सैक जैसा ये दिख रहे हो क्वाड्रेट शेप्ड है, शेप के अकॉर्डिंग। इसमें ये जो नॉर्मल टाइप हुआ ये राइट पार्ट हुआ, इसका ये लेफ्ट पार्ट हुआ। इस केस में लगभग राइट वाला जो होता है थोड़ा सा लेफ्ट से बड़ा होता है थोड़ा, और ये सबसे अब नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें राइट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है राइट लोग। ठीक है, तो ये टोटल चार तरह होते हैं। पहला को कहते हैं फीटल टाइप, सेकंड हो गया इन्फेंटाइल, थर्ड हो गया नॉर्मल, और फोर्थ हो गया एग्जेग्रेटेड टाइप। फीटल टाइप जो होता है ये कम 2% केसेज में प्रेजेंट होता है, 3% केसेज में। ये नॉर्मल टाइप होता है सबसे ज़्यादा 90%, और एग्जेग्रेटेड कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन में 4-5% प्रेजेंट होता है। तो टोटल चार तरह से हुआ, पहला फीटल टाइप जिसमें कोनिकल होगा शेप्ड होगा सीकम, सेकंड इन्फेंटाइल टाइप जिसमें क्वाड्रेट शेप्ड हो जाएगा, नॉर्मल इस तरह होगा जिसमें राइट एंड लेफ्ट पार्ट में सैक में डिवाइड हुआ रहेगा, और लास्ट एग्जेग्रेटेड जिसमें राइट वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेफ्ट साइड का जो होगा लेफ्ट पार्ट होगा जो सीकम का लेफ्ट सैक होगा वो छोटा रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन का, सीकम का रिलेशन क्या क्या है। तो पहले देखते हैं इसका पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन कुछ नहीं है, ये इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम बाय ऑल साइड्स, ये होता है इसका। भाई तो पेरिटोनियल रिलेशन में कुछ नहीं है, कवर बाय द पेरिटोनियम ऑल साइड। सेकंड रिलेशन विसरल रिलेशन देखेंगे इसके, कि कौन कौन सा विसरा इसके आसपास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर पहले एंटीरियर रिलेशन का देखते हैं कि सीकम के आगे कौन कौन से एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियरली ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इलियम का पार्ट प्रेजेंट होगा और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, क्योंकि जस्ट आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वाल होगा ना, यहाँ पर सीकम है अब एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से कवर है तो वो होगा, और थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा बस ही होगा एब्डोमिनल वाल, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल और कॉइल्स ऑफ इलियम, ये दो हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन जो इसके आगे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर में, तो सीकम अगर है तो इसके पीछे कौन कौन सा स्ट्रक्चर और विसरा प्रेजेंट होगा ये देखते हैं। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, हम यहाँ बना देते हैं। ये हो गया इसका पोस्टीरियर रिलेशन, तो क्या क्या है ये इसके बारे में मार्क कर देते हैं। ये हो गया सोएस मेजर मसल, इसके ऊपर कवरिंग होता है फासा इलियकस। दूसरा रिलेशन हो गया फासा इलियकस, थर्ड रिलेशन हो गया ये नर्व, ये तीन नर्व जो होता है इसे पास करता है। ठीक है, इस नर्व का बात करते हैं जिनाइटो फिमोरल नर्व, इसका बात करते फीमोरल नर्व, ये है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। टोटल तीन नर्व और दो मसल इसका पोस्टीरियर रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो कौन कौन से रिलेशन हो गए, पहला सोएस मेजर, दूसरा इलियकस, तीसरा
जिनेटो फीमोरल नर्व, फिर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई फीमोरल नर्व, लास्ट हो जाएगा ये हो गया गोनेडल वेसल्स। ये इसमें नहीं शो किया हुआ है लेकिन एक ये भी होता है, और मज़ेदार बात यह है कि ये सारे राइट साइड के होंगे क्योंकि सीकम राइट साइड में प्रेजेंट होता है, तो ये जो भी होगा मसल नर्व सब राइट साइड के मसल होंगे या नर्व्स होंगे। ठीक है, तो ये मसल्स हो गए, ये तीन नर्व्स हो गए, और ये किए वेसल्स का बात किया। इसका पोस्टीरियर रिलेशन में दो मसल, तीन नर्व और एक वेसल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सुपीरियर रिलेशन के बारे में। सुपीरियर में कुछ है नहीं, सुपीरियर तो इसका अबव कंटिन्यू करता है। जैसे अगर हम यहाँ सीकम है तो अबव ऐसे कंटिन्यू करता है असेंडिंग कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलम, तो सुपीरियर रिलेशन हो गया असेंडिंग कॉलम। तो इन्फीरियर रिलेशन का बात करें तो इन्फीरियर रिलेशन यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट दिख रहा है, उसकी उसका लेटरल हाफ इन्फीरियर रिलेशन हो गया लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, अब एक लास्ट छुट्टी इसका मीडियल रिलेशन भी होता है। किसका मीडियली इसका क्या प्रेजेंट है, तो मीडियली हमें टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम दिख रहा है, अपेंडिक्स दिख रहा है, एक्चुअली पोस्टीरियो मीडियल प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। यहाँ पर इसका जो ऑरिफाइस होता है ये तो पोस्टीरियो मीडियल इसका बेस होता है, और अपेंडिक्स होगा तो इसका रिलेटेड इसका मीजो अपेंडिक्स और मिजेंट्री। तो यही सब हो गया, तो ये टर्मिनल इलियम। अपेंडिक्स फिर मीजो अपेंडिक्स ये सारे इसका मीडियल रिलेशन फॉर्म करें। तो ये पूरा रिलेशन हुआ पेरिटोनियल रिलेशन, विसल में एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर देखना हमें, सुपीरियर रिलेशन, इन्फीरियर एंड द मीडियल रिलेशन। अब बात करते हैं ब्लड एंड द नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। हो गया सीकम, ये इसका अपेंडिक्स, ये सबका नेमिंग करेंगे हमें क्या करें। ये आर्टरी जो हुआ ये हो गया सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, क्योंकि सीकम जो है वो मिडगट डेरिवेटिव है, मिडगट से डिराइव होता है, तो इसलिए इसका ब्लड सप्लाई भी होगा सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी का ब्रांच। ये हो गया इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी जब निकलता है तो ये यहाँ पे आके दो भाग बढ़ जाते हैं कि इसका सुपीरियर ब्रांच हो गया या असेंडिंग ब्रांच हो गया, इसका डिसेंडिंग ब्रांच या इन्फीरियर ब्रांच। फिर ये यहाँ पे देता है दो सीकल आर्टरी, एक एंटीरियर सीकल एंड पोस्टीरियर सीकल, तो ये जो है ये हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल। ये जो बच के जो कंटिन्यू किया जाए इसको कहते हैं अपेंडिकुलर ब्रांच या अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल ब्रांच हुआ यही सप्लाई करता है सीकम को, एक आगे से एक पीछे से। ठीक है, अब बात करते हैं वेंस, तो वेंस भी सीधा कॉरस्पॉन्डिंग वेंस होगा जो चला जाएगा सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन में। तो वेन का बात करें तो वेनस ड्रेनेज हो गया इसका, मतलब इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वेंस निकलेगा आर्टरी के साथ साथ और चला जाएगा सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन में, ड्रेन कर जाएगा। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसका सिंपथेटिक सप्लाई होगा, कुछ पैरासिंपथेटिक होगा। सिंपथेटिक होगा फ्रॉम द T11 टू L1 एंड पैरासिंपथेटिक हुआ थ्रू वेगस। ये थ्रू होगा सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस, इसके थ्रू फ्रॉम द T11 टू L1
सो सिंपथेटिक का डिराइव होगा पैरासिंपथेटिक, ड्राइव होगा थ्रू वेगस। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीकम एनाटोमी, होप यू विल लाइक इट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।